बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, रानियों, मलकाओं, सब कहाँ हो जो घरों को प्यार से संभाल रही हैं, सजा रही हैं, संवार रही हैं। आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फ्राइडे रूटीन के ऊपर, जो कि मेरा कल का ब्लॉग है। वैसे तो सारे दिनों की शुरुआत इसी तरह होती है कि आपने देखा ये बैकग्राउंड में मिंसा ने मुझे उठाया था, और उठा के जो है फिर मैंने पानी पिया, इसको पानी पिलाया और फजर की नमाज़ के लिए हम बैठ गए थे। साथ साथ ये भी मेरे बैठी रहती है, और बच्चों को अपने साथ इस तरह बिठाना चाहिए कि मसल्ले पर बच्चे साथ बैठते हैं, उनके अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी और कहते हैं रूहानियत बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों को साथ साथ इन सब अच्छे कामों में अपने साथ रखने की, अपने करीब रखने की उस वक्त कोशिश करें। बहुत सी माएँ होती हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वे चाहती हैं कि बच्चा सो जाए तो हम नमाज़ पढ़ें, लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चे के सामने आप जितना ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ना, तो आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा बच्चे से जब वो बड़ा होगा कि नमाज़ पढ़नी है, ये करना है, क्योंकि जो बच्चा देखता है वो वही करता है, जो आप कहते हैं सुनते हैं वो नहीं करता, जो आप उसे करके दिखाते हैं ना बच्चा वो करता है, चाहे फिर आप उसको नहीं भी कहें। तो प्रैक्टिकल करके दिखाएं बच्चों के सामने और उनको करीब रखें आप जब भी कोई भी अच्छा अमल कर रहे हैं। उसके बाद ही मैंने जी बाहर का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था, यहाँ हस्बैंड की मेरी जो है यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी नमाज के बाद सुबह सुबह, वो ये देख रहे थे मुझे वॉचर होती है यार कि न्यूज़ वो भी सुबह सुबह लगा ली जाए। वैसे ही अपने आपस में मतलब अपनी ज़िंदगियों में सबकी हर कोई किसी ना किसी तरह से परेशान है, डिप्रेस है, तो न्यूज़ से मुझे उतना देख के और डिप्रेशन जाती है। वैसे ही है कि करंट आपको अफेयर्स पता होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मुझे ना शौक नहीं है न्यूज़ देखे। खैर बैकग्राउंड में ही मेरा सब चलता रहेगा, बच्चों को पूरा सुबह का रूटीन है, लंच देना और सब कुछ, जो भी काम सुबह मेरे शुरू हो गए थे ये सब चल रहे हैं। साथ में आप लोग भी देखते रहें, और लेकिन मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा कि फ्राइडे का जो दिन है वो अल्लाह ताला उस दिन दुआओं को कबूल करता है। उस दिन जो है ताकीद की गई है ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कुछ नहीं अगर कर सकते, आपके पास कुछ टाइम नहीं है, तो आप पाक साफ रह के गुसल करके जो गुसले जुमा करें, और आप सारे काम घर के करते जाएँ, और साथ साथ आप इस्तग़फ़ार और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पढ़ें, इतना तो आप सभी कर सकते हैं ना, तो ये ज़रूर आप लोग करें। या फ्रेंच फ्राइज़ मैंने मिंसा के लिए भी निकाल लिए थे लंच में से, थोड़े बच्चे को जो दे रही थी। अच्छा फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता बना लिया था, मिंसा को सुला दिया था, और ये नाश्ता था मेरा और मेरे हस्बैंड का। अच्छा फिर इसके बाद जो है सब चले गए थे स्कूल, फिर आ भी गए थे, मैंने खाना वाना खिला दिया था, वो सब मैंने स्पीड कर दी थी उसकी ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं देख देख कर। बाकी ये कि मैं कुछ चीज़ें डिक्लटर मुझे करनी थी, तो वो ये रहा था कि मैं रोज़ जब भी अपनी कबर्ड खोलती थी सोचती थी अरे यार इतनी गंदी हुई है, पूरी मैसी हो जाती है, आपको पता है जितना भी समेट लो कि उसको दो हफ्ते के बाद उसका वही हाल होता है। तो मैं जैसे ही खोलती थी ये होता था कि मैं अब आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन फिर मैं करने की हिम्मत इसलिए नहीं करती थी कि आपको मालूम है बच्चों के साथ काम करना एक मुश्किल टास्क है और बड़ा काम करना, तो फिर एक कबर्ड पूरी सही करना क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें डिक्लटर भी करनी है, उसको सेट भी करना है, तो ये लगता था इसमें एक टाइम कंज्यूमिंग काम है ना, तो मैं रोज़ बस बंद कर दिया, फिर उसके बाद सोच कर कि अब कल कर लूँगी परसों कर लूँगी। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे जो मुझसे हो रहा है ना वो मैं कर लेती हूँ जितना हो सकता है, ये नहीं कि सारा नहीं कर सकती। तो मैंने आज एक स्टेप उठाया कि आज मैंने जो चीज़ें डिक्लटर करनी है और जो मुझे डोनेट मतलब उसमें से दो उसमें से भी सेक्शन थे कि मुझे एक तो डोनेट करना था और एक मुझे कुछ कपड़े ऐसे थे जो सर्दियों के थे जो मेरे रह गए थे रखना, वो मैंने रखने थे। मैंने कहा कबर्ड में बाद में सही करूँगी, एक स्टेप तो मैं कम से कम कर लूँ। वही बात कि आपने जब बच्चे होते हैं ना आपके पास इतने काम होते हैं, हमारे बहुत सारे काम इसीलिए सिर्फ पेंडिंग पे रह जाते हैं कि हम ये सोचते हैं हम ये प्रॉपर तरीके से करेंगे, पूरा काम एक साथ करेंगे। नहीं, आपने पूरा काम एक साथ नहीं करना, उसको चाहे आप ब्रेक्स में कर करके कर लें ताकि आप खुद भी स्ट्रेस फ्री रहें और आपका सारा काम भी जो है वो आराम से हो जाए, तो उसको कोशिश करें कि उसको ब्रेक्स में फिर उसको ब्रेक्स में लेकर काम करें। तो फिर वो मैंने इतना आज कर लिया, तो मुझे इतना सुकून हुआ कि इतने दिन से जो टास्क मैंने सोचा हुआ था कम से कम वो हाफ टास्क तो डन हुआ और बाकी का फिर मैं वो कल कर लूँगी। तो अब ये मैंने इधर बांध के रख लिया था,
बस ये कि प्रॉपर तरीके से तो अभी नहीं रखा, लेकिन जितना मैं कर सकती थी मैंने मान लिया था। बाकी बच्चों को जो है मैंने नहला दिया था, धुला दिया था, और उसके बाद मिनसा को फिर मेरा पिला के, आपने देखा ही है बैकग्राउंड में सब चल रहा था, बच्चों को खाना वाना दे के, इसको फिर दे के, और इसको पेंसिल। और आजकल ये बहुत शौक हुआ हुआ है कि कोई पेंसिल कलर हाथ में हो और वो नोटबुक हो और उस पर ये इस तरह से जो है हाथों को अपने यूज़ कर रही है, चलाती है, मूव करती है। तो मैं जो है इसको ये दे देती हूँ तो ये बहुत शौक से कर रही है। फिर बच्चों को नमाज वगैरह के लिए खड़ा किया था, नमाज पढ़ी हम लोगों ने, सबने जोहर की, फिर उसके बाद असर की। कई दुनियावी काम तो चलते ही रहते हैं यार, रोज़ ही हमें करने होते हैं, और हमें बस जब तक हैं हम इस दुनिया में हमें ये सारे काम करने हैं, रोज़ ही करने हैं, और इसी तरह से। लेकिन आप कोशिश करें कि वैसे तो आपने हमें जितना हो सके रोज़ भी करना चाहिए, लेकिन हमें जुम्मे के दिन की ताकीद है, उस दिन आप जितने भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप सारे कामों के साथ साथ जो है एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए आपको ना ही बैठना है ख़ास तौर पर कहीं तन्हाई में लोगों से दूर, और जानमाज का मुसल्ला बिछाना है, या आपने जो है सब काम को छोड़ के कोने में जाना है, नहीं, आपने वो ऐसी इबादत है कि जो आप और बेहतरीन इबादत है कि आप सारे काम करते जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम करें, बच्चों से बच्चों के पास बैठे हैं, या कोई भी किसी भी काम में आप मसरूफ हैं, आप उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं बहुत ईजीली, और इसका बहुत सवाब है कि आप जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। रख दो मिंचू, तो आज रख दो मिंचू, गिव मी, गिव मी मिंचू, गिव मी, ये दिशवन, 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 शाबाश, दिशवन, गिव मी, टॉयज, जल्दी से लेको, शाबाश, शाबाश, वाले कमाल का, बॉक्स में, वहाँ पे, वहाँ पे, बॉक्स में, बॉक्स में, बॉक्स, बॉक्स में, ये जो बॉक्स में, नो 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 नो, रख दो, शाबाश, वेरी गुड, ये भी लेको। चलिए जी, मैंने कहा कि आप लोग कहीं मेरी आवाज़ को सुन सुन के ही बोर ना हो जाएं, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे मेरी बातें, मुझे नहीं मालूम, वो तो आपका सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स बताएंगे कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। तो मैंने आपको कहा बीच में ज़रा ये एक्टिविटी भी बच्चों की देख लें। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम दुनिया में किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। हम किसी की 100 रुपये की हैसियत है, 100 रुपये का आपको गिफ्ट पलट के वो भी देगा, हज़ार की हैसियत है तो 1000 का गिफ्ट देगा। जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से इंसान सामने वाले को देता है ना। लेकिन जब हम ये जो दुरूद का तोहफ़ा हम किसको हदिया कर रहे हैं, हम उन हस्तियों को हदिया कर रहे हैं कि जो जिनकी ठोकर में कायनात है, यानी उनकी हैसियत, उनकी औकात का हम उनकी हैसियत का हम मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया में कोई भी इंसान उनकी हैसियत का मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी हैसियत सबसे आला और बढ़तर है इस दुनिया में। तो जब हम उनको हदिया पेश कर रहे हैं, तो जब एक आम सा इंसान जो है ना पीछे नहीं हटता तोहफे के बदले में, फ़ौरन से हम कोशिश करते हैं ना, किसी ने हमें कुछ दिया तो हमें, हम भी उसको अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ौरन से कुछ दें, हमसे रखा नहीं जाता ना, कहते हैं हम एहसान का बदला एहसान, यानी एहसान के तौर पर उसको लेते हैं, तोहफे का बदला तोहफा। लेकिन तो सोचे जो हस्तियाँ के जो इतनी आला और बुलंदतर है, उनको जब हम अगर ये तोहफा भेजेंगे तो वो कैसे जो है हमें दिए बगैर नहीं रहेंगी, जब आम इंसान नहीं रह पाता तो वो कैसे रह सकती हैं। और जब वो हमें भेजेंगे तो उनका तो मर्तबा ही बहुत बुलंद है, तो उनकी हैसियत, तो उनकी तो औकात, उनकी तो ठोकर में पूरी कायनात है। तो जब वो हमें अपनी हैसियत के मुताबिक भेजेंगे तो वो रिवॉर्ड और वो तोहफा कितना बुलंद और बाला होगा। तो हमें ये सोच के अपने लिए ही सही सोचकर ये ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद कहा दिया हमें जुम्मे के दिन इन हस्तियों के लिए भेजना चाहिए, और सारे कामों के साथ साथ जो है हम इस चीज़ को ज़रूर हम याद रखें। ये एक रिमाइंडर है, क्योंकि मैं भी बस एक आम सी इंसान हूँ आपकी तरह, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे पता है और जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बदतमीजी से इसको मोशन ना लगता है, चने खाए जा रही है, चार पांच सब रेडी हो पांच जाने पक्का। अम्मी,
वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत ही कम है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो उसके अंदर जरूर कुछ। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज।